सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। तो दोस्तों, दिस इज आवर न्यू लेक्चर जिसमें मैं आप लोगों को आज बहुत सारी अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, हमने जब अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड पर्सन। पर्सन किसको बोलते हैं भाई, इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे थे। पर्सन का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से जाकर हमारे पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। पर्सन क्या होता है माई डियर फ्रेंड्स, देखो आप लोग पढ़ रहे हो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये जो इनकम टैक्स होता है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी को दोस्तों उसका बर्डन बियर करना पड़ता है। वही उसके बर्डन को क्या करेगा, बियर करेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पर्सन का डेफिनेशन पढ़ाया था। पर्सन किसे बोलते हैं भाई, ये 7 लोग हैं जिनको इनकम टैक्स में पर्सन बोला गया है। इसमें इंडिविजुअल का नाम आता है, इसमें HUF का नाम आता है, इसमें फर्म और कंपनी का नाम आता है, इसमें AOP और BOI का नाम आता है, इसमें लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जो जुरिडिकल पर्सन होते हैं ना उनका नाम निकल कर आता है। ये सब लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, इन सब को हम लोग पर्सन बोलते हैं। और जो इनकम टैक्स लगाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो किसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है। और मैं तो एक बात बोलूंगा दोस्तों, इनकम पर नहीं, टैक्सेबल इनकम पर लगाया जाता है। दोस्तों इनकम होना अलग बात है, लेकिन उस इनकम के ऊपर टैक्स लगना अलग बात है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना। अरे इनकम तो हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखी होगी भाई, हम उस इनकम को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। किसमें कन्वर्ट करेंगे, टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। और हम जो टैक्स लगाएंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, हम जो यहां पर टैक्स लगाएंगे वो दोस्तों हम टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाएंगे, है ना। और टैक्सेबल इनकम किसकी कैलकुलेट होगी, पर्सन की कैलकुलेट होगी। तो पर्सन में इंडिविजुअल का नाम आता है, पर्सन में दोस्तों HUF का नाम आता है, पर्सन में दोस्तों फर्म का नाम आता है, पर्सन में दोस्तों कंपनी का नाम आता है, पर्सन में AOP और BOI का नाम भी आता है। ये सब लोग पर्सन है दोस्तों, सब लोग पर्सन है। तो 7 तरह के लोगों को पर्सन माना गया है जिनकी हमको टैक्सेबल इनकम निकालना आना चाहिए। और टैक्सेबल इनकम कब निकालना आएगा भाई, जब आप इस पूरे इनकम टैक्स को पढ़ोगे तब आप लोगों को टैक्सेबल इनकम निकालना आएगा। तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। अब आज हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, और अपना जो भी कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, जो भी नोट्स की आपने कॉपी बनाई है, बुक बनाई है, उसको एक बार निकाल लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आगे के नोट्स हैंडराइटिंग फॉर्मेट में बनवा सकूं, और जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों के सामने ला सकूं। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारा हो गया है जिसका नाम था पर्सन, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आप लोग अपना जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, जो नोट्स है, उसमें लिख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड असेसी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों असेसी। तो असेसी कौन होता है, तो इसे अपनी कॉपी में लिखो, पहले मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूं, इसके बाद अब हम असेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो भाई, तो असेसी का मतलब क्या है, तो असेसी का मतलब है, असेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, असेसी मींस एनी पर्सन, असेसी मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स।
असेसी मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। दोस्तों इन डेफिनेशंस को आप हल्के में मत लेना, ये आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बनकर आ सकती हैं। तो ये जो डेफिनेशन है भाई, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है। तो असेसी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? असेसी मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, कॉमा इसमें लिख दो भाई इंटरेस्ट और पेनल्टी। असेसी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कि टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, जो कि इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल है, जो पेनल्टी को पे करने के लिए लाइबल है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों आपको पता है ना हमारे देश में इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। तो ये जो इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के अंदर अगर आप कोई भी टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल हो, कोई भी पेनल्टी पे करने के लिए लाइबल हो, तो हम आपको लॉ की नॉलेज में क्या बोलेंगे? असेसी। दोस्तों हम आपको लॉ की भाषा में असेसी बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, असेसी का डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट नहीं हो जाता, असेसी में और लोग भी आते हैं। सर और लोग कौन आते हैं? एंड इंक्लूड्स। सर और लोग कौन आते हैं? एंड इंक्लूड्स। एक तो लिख लो भाई डीम्ड असेसी और एक लिख लो असेसी इन डिफॉल्ट। एक तो होता है डीम्ड असेसी और एक होता है भाई असेसी इन डिफॉल्ट। ये डीम्ड असेसी क्या है? दोस्तों डीम्ड असेसी का मतलब होता है कि आपको असेसी मान लिया जाएगा। सर ये क्या बात, मान कैसे लिया जाएगा? जबरदस्ती है भाई, मान लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई माइनर बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरु मदन गोपाल, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप माइनर बोलते हो भाई, ये अगर इनकम कमा लेते हैं तो मुझे बताओ ये टैक्स पे करने के लिए लाइबल हैं क्या? बोलो ना। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर ये इनकम को कमाते हैं तो क्या ये उस इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल होते हैं क्या? ना जी ना, ये लाइबल नहीं होते। इनके पेरेंट्स लाइबल होते हैं, इनके जो भी फादर मदर जो भी हैं भाई, वो लोग यहां पर लाइबल होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, इनके फादर मदर को आप क्या बोलोगे? डीम्ड असेसी। ये डीम्ड असेसी है, मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है। अरे इनकम टैक्स में काफी जगह पर डीम्ड वर्ड यूज कर लिया जाता है, तो जहां जहां पर डीम्ड वर्ड यूज हो जाता है ना, तो आप समझ जाना दोस्तों जबरदस्ती है, आपको मानना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और लो, फॉरेन कंपनी होती है, कोई फॉरेन कंपनी है और उस फॉरेन कंपनी का कोई एजेंट है जो इंडिया में है, उस फॉरेन कंपनी का कोई ब्रांच है जो इंडिया में है। तो बताओ दोस्तों, फॉरेन कंपनी तो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उसका एजेंट कहां पर बैठा है? इंडिया में बैठा है। तो मुझे बताओ हु इज लाइबल, हु इज असेसी? वो जो इंडिया में एजेंट बैठा है, वो जो इंडिया में आप ब्रांच ओपन करके बैठे हो, उसको यहां पर क्या माना जाएगा? दोस्तों उसको यहां पर असेसी माना जाएगा, राइट? सर ये आपने दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? असेसी इन डिफॉल्ट।
सर ये आपने दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, असेसिन डिफॉल्ट। दोस्तों असेसिन डिफॉल्ट का मतलब होता है आपको डिफॉल्ट के कारण असेसी मान लिया जाता है, डिफॉल्ट के कारण। सर इसका क्या मतलब होता है डिफॉल्ट के कारण असेसी? अरे भाई एक चैप्टर आता है आपके कोर्स में टीडीएस, नाम सुना होगा आपने, एक चैप्टर आता है आपके कोर्स में जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस बोलते हैं उसको, है ना। तो अगर मान लीजिए दोस्तों आप टैक्स डिडक्ट करने के लिए लाइबल हो लेकिन आपने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस नाम का एक चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। वहां पर क्या होता है कि जो पेयर होता है ना, जो पैसा पे कर रहा है उसे इनकम टैक्स में पेई का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, पहले से ही कराना पड़ता है। ये बात हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर में, तो टेंशन मत लेना कि अरे यार ये टीडीएस क्या आ गया। अब आप पर जिम्मेदारी डाली गई है कि सामने वाले बंदे का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराओ, लेकिन दोस्तों आपने वो टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। दोस्तों अगर आपने टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो यू विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। दोस्तों आपको यहां पर असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, यू आर कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी का मतलब समझते हो, असेसी मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड इंक्लूड्स डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस सर, चलो चलो थर्ड नंबर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है असेसमेंट, असेसमेंट ईयर। थर्ड नंबर का जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। चलो पहले लिख लो फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा असेसमेंट ईयर। तो क्या है भाई असेसमेंट ईयर, इसका मतलब समझ लेते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है भाई, जरा समझ लेते हैं। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है, लिख लो, टैक्स पेमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है टैक्स पेमेंट ईयर, और इसके साथ में एक पॉइंट और लिख लो, 12 मंथ्स पीरियड, 12 मंथ्स पीरियड। सर ये जो आप ऐसे नोट करवाते हो ना तो बहुत मजा आता है सर, एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलता है सर, चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है, अपना अपना सा लगता है, बिल्कुल लगेगा दोस्तों, खुद के नोट्स बनाकर पढ़ोगे अपना अपना सा ही लगेगा, और आपका सारा स्टडी मैट कवर है, टेंशन ना लीजिएगा। 12 मंथ्स का पीरियड, अच्छा कहां से कहां तक होता है, फर्स्ट अप्रैल से लेकर और 31st मार्च, फर्स्ट अप्रैल से लेकर और 31st मार्च तक का पीरियड होता है। चलो एक काम करो, अभी आप एक डेफिनेशन और लिख लो फिर मैं आपको थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का जो डेफिनेशन है ना इनको एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन जब आप एक साथ पढ़ते हो ना तो जल्दी समझ में आती है। चलो तो फोर्थ नंबर पर आप लिख लो डेफिनेशन जिसका नाम है, फोर्थ नंबर पर जो डेफिनेशन है ना उसका नाम लिख लो एक बार, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर। तो भाई ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्या है इसको भी एक बार हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, लिखो भाई लिखो, इसको भी समझ लो एक बार कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, ये क्या चक्कर है भाई,
ये क्या चक्कर है, पेन से ही काम नहीं कर रहा क्या? कर तो रहा है भाई, क्या चक्कर है ये? चलो, तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम, अर्निंग ईयर। इनकम को जो अर्न करने वाला ईयर होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको दो केस बना लेने चाहिए। दो केस कौन कौन से? पहला केस लिखोगे न्यू बिजनेस, है ना, पहला केस लिखोगे न्यू बिजनेस, नया बिजनेस। और दूसरा केस लिखोगे अदर केस, ठीक है। जो न्यू बिजनेस होता है उसमें आपको लिखना है फ्रॉम डेट ऑफ न्यू बिजनेस से लेकर 31 मार्च, ठीक है। और अदर केस में लिख लो भाई, फिर समझाता हूँ आपको, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी नोट कर लो, फिर आपको मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बहुत डिटेल में समझा दूंगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए फाइनेंस एक्ट 2022, फाइनेंस एक्ट लिख लो 2022, है ना, फाइनेंस एक्ट लिख लो 2022। और इसमें आप लोग लिखोगे रेलीवेंट प्रीवियस ईयर 22-23, और असेसमेंट ईयर लिखोगे 23-24। तो ये जो प्रीवियस ईयर है इसको तो हम बोलेंगे लॉ की लैंग्वेज में इनकम अर्निंग ईयर, और ये जो 23-24 है इसको हम बोलेंगे टैक्स पेमेंट ईयर। अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, इस पूरे इनकम टैक्स में ये जो दो चीजें हैं ना, ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगी। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि पूरे इनकम टैक्स में मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वर्ड को बहुत बार रिपीट करूंगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, इस बात को समझने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, पहले प्रीवियस ईयर को समझेंगे, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, जिस ईयर में आप पैसे को कमाते हो दोस्तों, वो होता है प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप पैसे को कमाओगे उसे हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, है ना, जिस ईयर में पैसे को कमाओगे उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, ठीक है। और जिस ईयर में उस कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स दोगे, उस कमाई हुई इनकम के ऊपर जिस ईयर में आप टैक्स दोगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आप इनकम को अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप उस इनकम के ऊपर क्या देते हो भाई? टैक्स देते हो। मतलब टैक्स हमेशा बाद में दिया जाता है, पहले इनकम को कमाया जाता है। सरकार कहती है पहले इनकम कमा लो,
नेक्स्ट ईयर में हम तुमसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। मतलब यह समझ लो जी कि आपने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाई है उसका असेसमेंट का मतलब है उसको कैलकुलेट करना, टैक्सेबल इनकम को निकालना, यह सारा काम होता है असेसमेंट ईयर में माय डियर फ्रेंड। तो प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम को कमाया जाता है और असेसमेंट ईयर में दोस्तों उस कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाता है। उसके ऊपर क्या दिया जाता है? टैक्स दिया जाता है ना। जैसे एग्जांपल लो, ये देखो एग्जांपल, जैसे सपोज करो दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-2023, तो अभी 2022-2023 चल रहा है ना। कहां से शुरू होता है 2022-2023 अगर देखा जाए तो दोस्तों ये शुरू हो जाता है 1/4/2022 से और 31 मार्च 2023 को हमारा ईयर कंप्लीट हो जाता है, फ्रॉम 1 April 2022 to 31 March 2023। तो ये जो ईयर है दोस्तों इसको हम पता है क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ये इनकम को कमाने वाला साल है। तो हमने अप्रैल 2022 से लेकर और मार्च 2023 तक जो भी पैसा कमाया है, उसका टैक्स हमें देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में। और असेसमेंट ईयर कब आएगा? 2023-2024 में आएगा। यह भी कहां से कहां तक होता है? 1 April 2023 to 31 March 2024। मतलब जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में अर्न किए हो उसके ऊपर आपको असेसमेंट ईयर में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उसका जो असेसमेंट होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है। जिस ईयर में इनकम कमाते हो उस ईयर में असेसमेंट नहीं होता है। उसका जो नेक्स्ट ईयर आता है ना उसके अंदर दोस्तों इनकम को असेस किया जाता है। जैसे अभी किसी ने मान लो 21-22 में इनकम कमाई, 21-22 में, तो प्रीवियस ईयर कहलाएगा 21-22। बताओ दोस्तों उसका असेसमेंट ईयर आप किसको बोलोगे? नेक्स्ट ईयर को, मतलब 22-23 को। तो अभी जो असेसमेंट ईयर है वो किसका है? 21-22 का असेसमेंट ईयर है, 22-23। ऐसे ही दोस्तों 22-23 में अभी जो कमा रहे हो इसका असेसमेंट ईयर आएगा 23-24। तो जिस ईयर में पैसा कमाया जाता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। लेकिन जिस ईयर में उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, जिस ईयर में उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, रिटर्न का मतलब है भाई जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना, ये सारे के सारे काम आप जिस ईयर में करते हो उसे हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों असेसमेंट ईयर। उसे हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्रीवियस ईयर में कमाने का काम होता है, असेसमेंट ईयर में टैक्स देने का काम होता है। अब हमारे ऑफिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने एक हमारे क्लाइंट आते हैं, मैंने बोला जी आपकी असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न जाएगी, तो पता है क्लाइंट क्या बोलता है? सर 22-23 की कैसे जाएगी, अभी 22-23 तो पूरा ही नहीं हुआ। अरे मैंने कहा मेरे भाई 21-22 की जाएगी प्रीवियस ईयर। सर अभी तो आप कह रहे थे 22-23 की जाएगी, अब आप कह रहे हो 21-22 की जाएगी। अरे मेरे, मैं क्या बोलूं यार, 22-23 तो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर 21-22 है। सर पता ही नहीं, आपने तो 21-22 की तो पहले ही भर दी थी। अरे 21-22 असेसमेंट ईयर की भरी थी, मतलब प्रीवियस ईयर में 21 की। कि सर हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कौन से ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हो, हमको तो बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, आप जानो, आपकी लीला जाने भाई, हमें कुछ नहीं पता। अब आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो भाई, आपको तो ये सब बातें पता चल गई होगी ना कि जिस ईयर में इनकम कमाते हो दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उस पर टैक्स देते हो, टैक्स का असेसमेंट करते हो, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा एक चीज और,
असेसमेंट ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है। ये देखो मैंने लिखा भी है कि जो असेसमेंट ईयर होगा ना भाई वो हमेशा 12 मंथ्स का होगा। जो असेसमेंट ईयर होता है ना दोस्तों वो हमेशा 12 मंथ्स का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ क्या जरूरी है कि प्रीवियस ईयर भी हमेशा 12 मंथ्स का ही होगा? बोलो ना, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है? ऐसा जरूरी है क्या? ऑलवेज प्रीवियस ईयर इज फॉर 12 मंथ्स? द आंसर इज नो। व्हाई? दोस्तों अगर आपने पहली बार डैश 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 मतलब न्यू बिजनेस शुरू किया है, अरे अगर आपने पहली बार नया बिजनेस शुरू किया है, फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो आपने 1 दिसंबर 2022 को अपना बिजनेस शुरू किया, पहली बार आपने इनकम को कमाना स्टार्ट किया, तो अगर सपोज करो हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, 22-23, बिकॉज वी आर अर्निंग इनकम इन 22-23, तो क्या हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 दिसंबर 22 को, तो हमारा बिजनेस 1 दिसंबर 22 से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों दिस विल एंड ऑन 31st March 23। इसका मतलब हमें 4 महीने की इनकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा। हमें दोस्तों यहां पर 4 महीने की इनकम के ऊपर ही क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। हां अगर आप कहते हो कि मैंने तो 1st March 23 को बिजनेस स्टार्ट किया था, तो दोस्तों फिर आपका प्रीवियस ईयर का जो पहला दिन है वो 1st April 22 नहीं होगा, वो आपका 1st March 23 होगा। लेकिन वो एंड कब होगा? 31st March 23 को एंड होगा। मतलब यू हैव टू पे टैक्स फॉर 1 month इनकम, है ना? मैं तो कहता हूं जी किसी ने सुबह सुबह 31 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया तो 31 मार्च की शाम तक जो 1 दिन की इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स से कम का भी हो सकता है, ये 12 मंथ्स से दोस्तों कम का भी हो सकता है, इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है? तो एंड हमेशा 31 मार्च पर होगा। लेकिन अगर आप पहली बार स्टार्ट किए हो तो जिस दिन आप बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो वो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला दिन ही आपका प्रीवियस ईयर का पहला दिन माना जाता है, उसे ही हम यहां पर फर्स्ट डे बोलते हैं। और वो एंड कब होता है भाई? 31 मार्च को एंड होता है, राइट? ओके सर। हाँ जब आप नेक्स्ट ईयर बात करोगे, अब तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका, अब तो आपका बिजनेस न्यूली बिजनेस नहीं है, तो जब आपका बिजनेस न्यूली नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ अदर केस, तो इफ इट इज अ मैटर ऑफ अदर केस, तो अब तो बिजनेस स्टार्ट हो चुका, तो अब नेक्स्ट ईयर से आप देखोगे तो 1 अप्रैल 23 से ही स्टार्ट होगा और प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। तो अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है ना, तो आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा और आपको पूरे 12 मंथ्स की इनकम पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। लेकिन दोस्तों अगर आपका बिजनेस अभी न्यूली पहली बार स्टार्ट हुआ है, तो जिस दिन आपका बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता है उसे ही प्रीवियस ईयर का पहला दिन कहा जाता है, लेकिन इट विल एंड ऑन 31st मार्च। लेकिन दोस्तों उसका जो एंड होता है ना वो 31 मार्च को होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर बात बहुत जोर से समझ में आ गई। अच्छा दोस्तों यहां पर असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद में आएगा, प्रीवियस ईयर का जो बाद वाला ईयर है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, एंड असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स।
और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि असेसमेंट ईयर से जो पहला वाला ईयर होता है ना, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो जोर से बोलो हाँ, हाँ सर, हाँ। अच्छा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्या एप्लीकेबल होता है? फाइनेंस एक्ट 2022। जैसे आप लोग 23 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो 2023 के अंदर जिन लोगों का भी एग्जाम लगेगा, जिन लोगों का एग्जाम 2023 में लगेगा भाई, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 22। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 22 का मतलब है प्रीवियस ईयर 2022-2023। प्रीवियस ईयर कौन सा लगेगा? 22-23। और असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा? 23-24। तो आप लोगों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 22-23 के करवाए जाएंगे। तो आपसे जो भी इनकम पूछी जाएगी, आपसे जो भी टैक्स पूछा जाएगा, दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जरा असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम निकालो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ सर, हम आपकी बात को बहुत जोर से समझ गए हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो कहीं पुरानी क्लासेस मत देख लेना, दिस इज द लेटेस्ट क्लास जहां पर 22-23 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, है ना। तो ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 23 जो 2023 में जिनका एग्जाम लगेगा, उनके लिए दीज आर द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो भाई, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये दोस्ती है, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, आप तो शायरी वायरी भी बोलते हो, कविता भी बोलते हो। हाँ जी, चलो आगे पढ़ाई करो भाई। क्या लिखेंगे अब हम? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल रूल। ओह, जनरल रूल, जनरल रूल, ये क्या है? जनरल रूल। ओह, तो अब हम दोस्तों इनकम टैक्स का जनरल रूल पढ़ने जा रहे हैं। अब भाई ये जनरल रूल क्या है, एक बार लिख लो। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। जनरल रूल ये है भाई कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है ना, वो हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है ना भाई, वो हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। दिस इज कॉल्ड जनरल रूल। अच्छा, ये जो जनरल रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो जनरल रूल क्या हुआ भाई, कि जो भी आप प्रीवियस ईयर में अर्न करोगे, उसका जो टैक्स बनेगा वो असेसमेंट ईयर में बनेगा। बात भी सही है, प्रीवियस ईयर में कमाओगे तो टैक्स का कैलकुलेशन कब करेंगे? आपका असेसमेंट ईयर में। जैसे आपका प्रीवियस ईयर है दोस्तों 22-23, तो अभी तो आप 22-23 में कमाए जा रहे हो, लेकिन जब 23-24 आएगा तो दोस्तों उस इनकम पर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट होगी। उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो 23-24 में होगी, है ना। लेकिन दोस्तों ये तो कहलाता है जनरल रूल। अच्छा, लोग रुकते नहीं है, लोग फिर 23-24 में फिर कमाएंगे, उसका टैक्सेबिलिटी कब होएगा? 24-25 असेसमेंट ईयर में। अच्छा, लोग अभी भी नहीं रुकेंगे, वो 24-25 में भी कमाएंगे, उसका टैक्सेबिलिटी कब आएगा? 25-26 में आएगा। तो लोग बैठते नहीं है, मुझे देख लो, मैं बैठता थोड़ी हूं कि भाई चलो अब एक साल कमा लिया, अब असेसमेंट ईयर आ गया, ना जी ना, मैं फिर कमाऊंगा, फिर उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा,
मैं फिर कमाऊंगा, मैं कमाता जाऊंगा, अपना सपना मनी मनी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब ये जो जनरल रूल है, ये तो इनकम टैक्स का जनरल रूल हो गया, पूरे इनकम टैक्स का जनरल रूल। लेकिन दोस्तों ये जो जनरल रूल होता है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अच्छा, हाँ, ये जो जनरल रूल होता है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वो एक्सेप्शंस दोस्तों मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो आप यहां पर नीचे लिख लो भाई, क्या लिखोगे नीचे? एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू जनरल रूल। ओहो, जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब हो जाता है कि जिस प्रीवियस ईयर में कमाओगे ना, उसी प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम को क्या कर दिया जाएगा? टैक्सेबल। देयर आर सम केसेस, एग्जाम में कई बार पूछता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स। या देखो ऐसे भी पूछता है कि प्रीवियस ईयर इनकम इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इज इट ट्रू? तो आप कहोगे नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर एक्सेप्शंस के बारे में बताता हूं कि भाई ये जो जनरल रूल है ना, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। चलो तो हम यहां पर एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं भाई, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शन का मतलब लिख लो सबसे पहले, केसेस, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इट सेल्फ। केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मतलब जिस ईयर में कमाओगे भाई, उसी प्रीवियस ईयर में वो इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। सो देयर आर सर्टेन केसेस, वो सारे केसेस मैं आपको यहां पर वन बाय वन करके बताता हूं। तो पहला आप लोग लिखोगे इसमें, पहला आप लोग इसमें लिखोगे इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, ठीक है। दूसरे नंबर का आप लिखोगे इसमें इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया, इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली, परमानेंटली, परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना। पूरे लिख लो फिर समझाता हूं। थर्ड आप लिखोगे यहां पर इनकम ऑफ डिस कंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। फोर्थ आप यहां पर लिखोगे इनकम ऑफ पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू, ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स, ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स, फॉर अवॉइडिंग टैक्स। और लास्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे AOP/BOI/artificial juridical person formed for particular, particular purpose।
तो ये पांच एक्सेप्शन है दोस्तों जो आपको यहां पर याद रखने हैं। देयर आर फाइव एक्सेप्शंस जिन्हें आप लोगों को दोस्तों यहां पर याद रखकर चलना है। ये पांच केस अगर आप लोगों के सामने कभी भी क्वेश्चंस में आते हैं तो वहां पर ध्यान रखना दोस्तों, इनकम टैक्स वाले प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स मांग लेंगे। मतलब वो लोग असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे। आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाए हो, आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपका वेट नहीं करेगा। पहला नंबर का केस है नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। ये रेजिडेंट क्या है, ये नॉन रेजिडेंट क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जस्ट बेसिक चैप्टर के बाद वहां आपको समझ में आएगा। तो अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है ऐसे समझ लो, अगर उसका शिपिंग बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस मतलब वहां से लोगों को, पैसेंजर को, कैटल्स को, लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं उसको लेकर आता है, इंडिया में छोड़ देता है, तो पैसा कहाँ से कमा रहा है, इंडिया से। तो ऐसे बिजनेस वालों को इंडिया में उसी टाइम टैक्स देना पड़ता है। सरकार कहती है भाई तू नॉन रेजिडेंट है, तेरा कोई भरोसा नहीं है, अभी की अभी टैक्स दे। कि जी मैं असेसमेंट ईयर में दे दूंगा। कि नहीं, मान ले तू चला गया फिर ना आया तो अभी की अभी दे। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ओहो, इंडिया छोड़कर जा रहे हो, अच्छी है, इंडिया छोड़कर जा रहे हो भाई। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं दोस्तों टैक्स से बचने के लिए, कई लोग भाग गए हैं इंडिया छोड़कर। प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे थे 2022-23 में, लगा यार असेसमेंट ईयर आने वाला है, लो जी इनकम कमा के निकल लो देश से बाहर। दोस्तों एक बात बताऊं, जब आप देश के बाहर जाते हो ना, कंट्री के बाहर, तो आपको दूसरी कंट्री का वीजा लेना पड़ता है, वीजा। तो यहाँ के टैक्स ऑफिसर्स को पता लग जाता है भाई ये बंदा इंडिया छोड़कर जा रहा है। हाँ, आप घूमने के लिए जा रहे हो 5-10 दिन के लिए तो बात अलग है, क्योंकि वहां से आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां वाली गवर्नमेंट के आपको धक्के दे के भगाएंगे कि चल इंडिया में वापस, है ना। लेकिन अगर आप परमानेंटली इंडिया छोड़कर जा रहे हो, ये चीज वीजा से पता लग जाती है, या आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हो, तो दोस्तों आपने जो भी प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका टैक्स दोस्तों उसी प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा। सरकार असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगी। नो, थर्ड है भाई साहब इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। किसी का बिजनेस क्या हो गया भाई, बंद हो गया, किसी का बिजनेस ही बंद हो गया जी प्रीवियस ईयर के दौरान, तो असेसिंग जो ऑफिसर होता है जो आपकी इनकम को असेस करता है, मैंने बताया था, वो कहेगा भाई बिजनेस बंद हो गया, लाओ जितने दिन बिजनेस चलाया था उसकी इनकम पर अभी की अभी क्या दे दो टैक्स, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई बंदा अपनी असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है कि भाई मैं टैक्स से बच जाऊं, डिपार्टमेंट या सरकार मेरे से टैक्स की रिकवरी ना कर सके। अगर कोई बंदा अपनी संपत्तियां बेच रहा है लगातार और सरकार को ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड ये तो टैक्स की चोरी करने में है, तो सरकार उससे उसी ईयर में टैक्स मांगेगी जो भी उसने कमाया है, क्योंकि वो असेट्स को इतना क्यों बेच रहा है भाई, इसका मतलब वो टैक्स की चोरी करना चाहता है, वो यहां से भागना चाहता है। लास्ट पॉइंट है एओपी। एओपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और एक होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन में बताए थे। तो अगर ये लोग, ये जो पर्सन है भाई, अगर इन्हें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया था और वो पर्पस ही रिजॉल्व हो गया, जैसे आपने कोई एओपी बनाया था एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी ज्वाइंट वेंचर के लिए, वो ज्वाइंट वेंचर वाला काम पूरा हो गया, या आपने कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्रिएट की थी किसी काम को करने के लिए, वो काम आपका उसी ईयर में कंप्लीट हो गया, तो जिस ईयर में वो पर्पस रिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों, जिस ईयर में वो पर्पस रिजॉल्व हो जाएगा उसी ईयर में दोस्तों
आपको इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। उसी ईयर के अंदर आपको इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पांच केस हमेशा याद रखना, ये वो पांच केस हैं भाई जो एक तरह से जनरल जो रूल होता है ना उसके एक्सेप्शंस माने जाते हैं। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया फॉर परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, कोई भी बंदा जो अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करना चाहता है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया है, तो ये केस जब जब आप लोगों के सामने आएंगे तो समझ जाना कि भाई जिस ईयर में आप इनकम कमाए हो उसी ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं किया जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आई है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल, प्रीवियस ईयर इनकम इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इज इट ट्रू, आंसर सब में सेम रहेगा, बस पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। राइट, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को असेसी का डेफिनेशन पढ़ाया है। असेसी वो होता है जो टैक्स देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, पेनल्टी देने के लिए लाइबल होता है। इसमें डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट भी आते हैं। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स देते हो। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आप इनकम को कमाते हो। प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द ईयर जरूरी नहीं है कि 12 मंथ्स का हो। अगर आप बिजनेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हो तो जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होगा वही प्रीवियस ईयर का पहला दिन माना जाएगा, लेकिन 31 मार्च इज द एंडिंग डेट ऑफ योर प्रीवियस ईयर। इसके अलावा दोस्तों जनरल रूल होता है कि प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पर आपको प्रीवियस ईयर की इनकम का प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर बात समझ में आई हो तो भाई लाइक के माध्यम से अपना प्यार जरूर बरसा दीजिएगा और हमारी ऐप पर रिव्यू जरूर कर दीजिएगा। जो ऐप पर रिव्यूज होते हैं ना वो अगर आप कर दोगे तो दोस्तों इट इज ए ग्रेट हेल्प फॉर मी माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की ओर। नया टॉपिक, चलिए दोस्तों अब हम न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो जी न्यू टॉपिक क्या है, न्यू टॉपिक आप लिखोगे केसेस वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर, केसेस वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच It comes to the notice of department, मतलब assessing officer, assessing officer। पूरा लिख लो फिर समझाऊंगा। तो इसमें लिखोगे आप इंडियन ब्लैक मनी, काला धन, इंडियन ब्लैक मनी, काला धन।
नाम सुना है आपने कभी काला धन का? हाँ सर, मोदी जी कहते हैं काला धन भाइयों बहनों विदेशों से मैं लेकर आऊंगा, इतना लेकर आऊंगा कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख आएंगे। अब भारतीय देख रहे हैं साला 1 लाख नहीं आया, 15 लाख की बात हो रही थी। अच्छा, इसको बोलते हैं अन डिस्क्लोज्ड इनकम। लिख लो भाई, इसको लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? अनडिस्क्लोज इनकम। ऐसी इनकम भाई जो आपने छिपाई है, जो आपने डिपार्टमेंट से छिपाई है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज इनकम। अच्छा भाई, अनडिस्क्लोज इनकम है क्या ये? हाँ जी बिल्कुल अनडिस्क्लोज इनकम है, इंडियन ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज इनकम। अच्छा, क्या है इस अनडिस्क्लोज इनकम में? जरा देखें क्या है इस अनडिस्क्लोज इनकम में, जरा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे सेक्शन 68, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। इसके बाद आप लिखोगे सेक्शन 69.69A, सारे लिख लो फिर समझाऊंगा। अन एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कॉमा मनी। इन चीज़ों को हल्के में मत लेना, एग्जाम में आता है ये, इसको बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, कई जगह तो पढ़ाया ही नहीं जाता। अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, एग्जाम में आ जाता है। चलो इसके बाद लिखना सेक्शन 69B। ये जो सेक्शन 69B है इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मनी एक्सेट्रा नॉट फुल्ली, इन्वेस्टमेंट मनी एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। इसके बाद आता है सेक्शन 69C, इसमें आप लिखोगे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ओहो, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है ना, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। नो डिडक्शन इन एनी हेड, नो डिडक्शन इन एनी हेड। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जो काला धन है, काला धन, ब्लैक मनी, सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट। अच्छा ये क्या होता है कैश क्रेडिट, इसके नीचे लिख लो फिर समझाता हूं। एनी सम इज फाउंड, एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड, एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ असेसी, बुक्स ऑफ असेसी। इसमें लिख लो असेसी मेड इन्वेस्टमेंट, असेसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी ओनर, फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी असेट मनी ज्वेलरी एक्सेट्रा
नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिखो असेसी मेड इन्वेस्टमेंट, असेसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी ओनर, फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी असेट मनी ज्वेलरी एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स, है ना। और लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। असेसी इनकर्ड एनी, असेसी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, असेसी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर। समझ लो भाई क्या मतलब है इनका। सुनो, ये वो चीजें हैं दोस्तों, केसेस वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट। दोस्तों, किसी के यहां डिपार्टमेंट वालों ने छापा मार दिया, छापा, छापा सुनते हो, रेड, इनकम टैक्स की रेड हो गई। रेड मूवी देखी है, इनकम टैक्स ने रेड कर दी, आपके डिपार्टमेंट आ गया, आपके घर पर आ गया, आपके ऑफिस में आ गया दोस्तों, और वहां पर चेकिंग करी, और चेकिंग में क्या मिला, काला धन, इंडियन ब्लैक मनी मिली, इंडियन ब्लैक मनी। दोस्तों, ये जो इंडियन ब्लैक मनी होती है ना, इसको लॉ की भाषा में कहते हैं अनडिस्क्लोज इनकम। कैसी इनकम? अनडिस्क्लोज इनकम। ओ हो, ऐसी इनकम जो डिस्क्लोज नहीं की गई है। सेक्शन 68 कहता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, देखो जितने भी बिजनेस पर्सन होते हैं ना, वो अपने रोज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। अच्छा, उस बुक्स में मान लो क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट लिखा हुआ है, यू नो वेरी वेल कि क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है दैट इज योर इनकम। अब ऐसी चीज जो आपकी बुक्स में क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, लेकिन आपने उसे अपनी इनकम में शो नहीं किया, मतलब आपने जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया तो आपने उसे अपनी इनकम नहीं माना, डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया कि बता बुक्स में ये जो अमाउंट क्रेडिट में है ये क्या है, आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, आपने लिख दिया सस्पेंस, मुझे नहीं पता। डिपार्टमेंट कह रहा भाई कहीं का सस्पेंस है ये, बता क्या है ये, आपके पसीने आ रहे, आप बता ही नहीं पा रहे। दोस्तों, क्या डिपार्टमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगा? लेगा, क्योंकि वो काला धन है। अरे, वो ऐसी इनकम है जो आपने कमाई तो थी लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, ठीक है ना भाई, दैट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज इनकम। और काला धन पर तो टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता है, अभी सारी बातें बताऊंगा, काला धन पर तो टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता है, आई थिंक 60% से भी ज्यादा लगता है। 69 और 69A, सर ये सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या? अच्छा, बच्चे पूछते तो ऐसे हैं जैसे मैं अगर हाँ बोल दूं तो जैसे याद कर ही लेंगे। दोस्तों, सच बताऊं ना तो सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है, इस सेक्शन के अंदर जो बात लिखी हुई है ना उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि मार्क्स तो आपको उसी के मिलेंगे। अगर आप सेक्शन नहीं भी याद करोगे, अगर आप उसका प्रोविजन, जो अंदर प्रोविजन बोलते हैं, वो भी अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इतना मैं गारंटी देता हूं। लेकिन गलत सेक्शन कभी मत लिखना, अगर गलत सेक्शन लिखोगे ना तो फिर दोस्तों दिक्कत आएगी। अच्छा, 69 और 69A क्या है भाई? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी।
दोस्तों आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आपने कोई सुंदर सुंदर ज्वेलरी खरीद रखी है, नौ लखा हार, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ रे, है ना। तो आपने चूड़ियाँ खरीद रखी हैं, आपने नौ लखा हार खरीद रखा है, तो दोस्तों ये पैसे कहाँ से आए? आपके घर पर छापा पड़ा, इनकम टैक्स की रेड हुई, वहाँ पर ज्वेलरी मिल गई, इनकम टैक्स वालों ने पूछा कहाँ से आई, कि जी पता नहीं कोई रख गया था, कि बताऊँ अभी रख गया था। अच्छा आपका इनकम टैक्स का रिटर्न देखा तो आप तो 2 लाख ही कमाते हो साल के, तो भाई ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से किए, कि जी हमको पता नहीं। इसका मतलब आपने इनकम कमाई तो थी लेकिन आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी। आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। या 69B क्या कहता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मनी नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है? पहले वाले में तो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, लेकिन अब की बार आपने डिस्क्लोज तो किया लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज फुल्ली नहीं किया। जैसे आपने 1 करोड़ का असेट खरीदा, आपने मकान खरीदा, लेकिन आपने उसको अपनी बुक्स में दिखा रखा है 10 लाख, जबकि वो है 1 करोड़ का। वो जो इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों, वो 1 करोड़ का है लेकिन आपने अपनी बुक्स में उसको कितना दिखाया है? 10 लाख दिखाया है। इसका मतलब आपने दिखाया तो है लेकिन आपने उसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब वो जो आपने 90 लाख कम डिस्क्लोज किया, दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर अनडिस्क्लोज इनकम, क्योंकि 10 लाख तो आपने डिस्क्लोज कर दिया था लेकिन 90 लाख जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, दैट इज योर अनडिस्क्लोज इनकम, दैट इज योर ब्लैक मनी। और इससे पहले वाला कह रहा था कि डिस्क्लोज ही नहीं किया, जैसे 1 करोड़ का मकान था, आपने 1 करोड़ को दिखाया ही नहीं बुक्स में, तो इसका मतलब पूरा 1 करोड़ आपका 2 नंबर का इनकम है। 1 करोड़ में से 10 लाख दिखा दिया, 90 लाख नहीं दिखाया, तो 90 लाख आपका 2 नंबर का इनकम है। 2 नंबर मतलब ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बोले तो जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी, काला धन। काला का मतलब उसका कलर ब्लैक नहीं है, काला धन मतलब जिस पर टैक्स नहीं दिया। और 69C कहता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। आपने कोई खर्चा किया है भाई लेकिन वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल इनकम टैक्स वाले शादी में भी घुस जाते हैं। हाँ आजकल आपको पता है ना, लोग शादी में बहुत पैसा खर्च करते हैं। किसी ने 5 करोड़ की शादी करी, सुनो जी उसने तो 2 करोड़ लगा दी अपनी बेटी की शादी में। वो अपने रिश्तेदार हैं ना, उन्होंने तो वहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज करी थी, 5 करोड़ रुपये शादी में लगा दिए। तो दोस्तों 5 करोड़ शादी में कैसे लगाए? कमाए तभी तो लगाए। अब इनकम टैक्स वाले वहाँ चले जाते हैं। सर इनकम टैक्स वाले वहाँ जाते होंगे तो फिर खाना भी खाते होंगे। अरे वो तो खाएंगे ही। अच्छा वो क्या करते हैं, शादी में एस्टीमेट लगाते हैं कि कितना खर्चा हुआ है। लोगों से वहाँ पर कैटरिंग वाले से पूछते हैं, जी हमको भी अपनी शादी में ऐसी कैटरिंग करवानी है, जी कितने की है, लिखो भाई लिखो। जैसे वहाँ पर डेकोरेशन वाले से पूछते हैं, जी ऐसे डेकोरेशन हमको भी करवाना है, लो जी लिखो। पूरा एस्टीमेट लगा लेते हैं कि कितने आदमी शादी में आए हैं। और जब तक विदाई नहीं हो जाती, सुबह सुबह विदाई होती है ना, वो विदाई के अंदर वो गाना भी चलता है, दहलीज पार करा दे, है ना। तो वो जैसे ही बेटी विदा हो गई, अब आएंगे इनकम टैक्स वाले, इधर आओ भाई इधर आओ, तुमने शादी में 5 करोड़ लगाए, कि जी कहाँ लगाए, कि नहीं मैंने सब पता लगा लिए, 5 करोड़ कहाँ से आए, 5 करोड़ कि जी मेरे थे 5 करोड़, कि तुम्हारी इनकम टैक्स की रिटर्न दिखाओ। इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख से ज्यादा की नहीं है और शादी में लगा रहे हो 5 करोड़ भाई। तो जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, आपने अगर कोई खर्चा किया है दोस्तों लेकिन उस खर्चे का आपके पास सोर्स नहीं है। खर्चा करना गलत बात नहीं है, आप 5 करोड़ की जगह 50 करोड़ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 करोड़ का सोर्स तो होना चाहिए ना भाई। अब आप कह रहे हो, जी मैंने तो रिश्तेदार से लिए थे, इनसे लिए थे। रिश्तेदार मना कर रहे, ना ना सर मैंने तो नहीं दिए। सब मना कर देंगे, मैंने तो नहीं दिए, क्योंकि फिर उसकी चेकिंग होगी। तो अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो और वो एक्सपेंडिचर का आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो देन इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज योर इनकम। इट इज ऑल्सो ब्लैक मनी माई डियर फ्रेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्क्लोज इनकम। दोस्तों उसको भी क्या कहा जाएगा, अनडिस्क्लोज इनकम। और ये जो खर्चा है ना, जो अनएक्सप्लेन्ड है,
इसकी आपको कहीं डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। डिडक्शन मतलब वाइल कंप्यूटिंग इनकम। दोस्तों जब हम पैसा कमाते हैं तो हमसे खर्चे भी होते हैं, अच्छा इनकम में से खर्चा माइनस होकर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर आपने एक्सप्लेन नहीं किया है उस एक्सपेंडिचर को किसी भी इनकम में से माइनस नहीं करने दिया जाएगा। मतलब आपको पूरी इनकम पर ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे नहीं पूरी इनकम पर देना पड़ेगा। बकायदा वो जो एक्सपेंडिचर है, आपने 5 करोड़ शादी में लगाए तो उस 5 करोड़ को आपकी इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ शादी में तब लगाए ना जब आपने 5 करोड़ कमाए, लेकिन आपने उन्हें कहीं पर भी शो नहीं किया, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, है ना। तो ये जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना भाई, ये जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लिख लो ऐसे लाइन करके, चारों के लिए कॉमन पॉइंट है ये, इसमें लिख लो एंड एंड असेसी, एंड असेसी हैज नो एक्सप्लेनेशन, असेसी हैज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स, असेसी हैज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय असेसी इज अनसेटिस्फैक्ट्री एज पर AO। ये जितनी भी चीजें हैं भाई, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। तो जब आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, या आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया भी है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो असेसिंग ऑफिसर है उसको अगर आपका जवाब सही नहीं लग रहा है, तो वो इन सब चीजों को आपकी इनकम मान लेगा। और जिस ईयर में वो इनकम उसके पकड़ में आई है, जिस ईयर में आपके यहाँ पर रेड हुआ है इनकम टैक्स का, उस ईयर की इनकम मानकर उसके ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज इनकम। इसको आप हल्के में मत लेना भाई, बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ जाते हैं या कहीं क्लास लेते हैं तो इनको छुड़वा दिया जाता है, लेकिन ये सब चीजें बहुत काम की हैं, ठीक है। तो कैश क्रेडिट का मतलब है बुक्स में कोई चीज क्रेडिट है लेकिन आपने उसको शो नहीं किया, आपने इनकम टैक्स की नॉलेज में उसको नहीं डाला, आपने इन्वेस्टमेंट किया, मनी है आपके पास, आपने नोटों की बहुत बड़ी बेड बनवा रखा है, उसमें नोट भर रखे, उसके ऊपर आप सोते हो, डिपार्टमेंट को पता चल गया, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या आपने कोई मनी इन्वेस्टमेंट कमाया था लेकिन आपने उनको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, आपने उनको पार्शियल डिस्क्लोज किया। तो जितना डिस्क्लोज नहीं किया दैट शुड बी योर अनडिस्क्लोज इनकम। आपने कोई एक्सपेंडिचर किया लेकिन आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, आपके पास उसका कोई सोर्स नहीं है, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज योर अनडिस्क्लोज इनकम। तो अगर आप सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाओगे, आपके पसीने छूटेंगे, आप ऐसे कह रहे हो हाँ जी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, कल बताता हूँ, तो AO समझ जाएगा कि ये काला धन है, ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी पर बहुत खतरनाक टैक्स है दोस्तों। अभी मैं आपको टैक्स की रेट पढ़ाऊंगा ना, वहां आएगा मोर देन 60%। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बाकी अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो उनको भी शेयर करो, ठीक है। इसमें आपको कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इट इज़ ए ग्रेट हेल्प फॉर मी। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास कहाँ से देख सकते हो ऐप का लिंक दे रखा है, मोबाइल पर चलानी हो, लैपटॉप पर चलानी हो, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो, हाँ हाँ जोश दिल में जगाते चलो, और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।